हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकारी कार्यालयों और मॉल में मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जन को यह आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाए। पिछले 24 घंटों में हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 402 नए एक्टिव मरीज मिले हैं। अब कुल सक्रिय केसों की संख्या 1539 तक पहुंच गई है। संक्रमण दर की अगर बात करें तो 6.91% चल रही है। शनिवार को गुरुग्राम में 173, फरीदाबाद में 68, पंचकुला में 51, करनाल में व अंबाला में 19-19 मरीज मिले हैं। वहीं रोहतक में 12, झज्जर में 17, यमुनानगर में 16, पलवल में 18, सोनीपत में 6, चरखी दादरी में 3 केस मिले हैं। हिसार में 5 केस मिले हैं। कैथल, रेवाड़ी, भिवानी और पानीपत में 1-1 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि सक्रिय केसों में गंभीर मरीजों की संख्या 9 के बराबर है। दूसरी तरफ हरियाणा में बढ़ते केसों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लेने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में नमूनों की संख्या भी बढ़ाई गई है और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। खासकर सरकारी कार्यालयों में आप जाएंगे और वहीं मॉल में जहां भीड़भाड़ के इलाके हैं वहां मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ये पालना हम नहीं करेंगे तो भारी भरकम जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसका हम सब ने बहुत ही संजीदगी से ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे हमने बचना है और अपने परिवार को बचाना है। इसके लिए मास्क अनिवार्य पहनना है, इसको हमने भूलना नहीं है। अब सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को लाइक शेयर करें।